उधर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। सो गाइस, जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहां पर आपको असम COC के वीडियोस मिलते रहेंगे और सारी नई स्ट्रेटजीज मैं बनाता रहूंगा और आपके लिए डालता रहूंगा। तो चलिए फिर, आज हम बात करने वाले हैं टाउन हॉल 14 अपडेट के नए चैनल नए चैलेंज के बारे में। जो जंगल चैलेंज आया है, सो इससे हम टाउन हॉल 14 जो फर्स्ट टाउन हॉल 14 चैलेंज भी बोल सकते हैं इसको, जैसे लास्ट टाइम आया था लास्ट टाउन हॉल 13 चैलेंज, क्योंकि अब आ चुका है टाउन हॉल 14। सो ये है टाउन हॉल 14 का फर्स्ट चैलेंज, जंगल चैलेंज आया है। सो अब इस अपडेट में नया क्या है कि हीरोज़ के साथ पेट्स होंगे। ये एक बहुत ही ऑसम अपडेट है, हीरोज़ के साथ होंगे पेट्स और जो है बिल्डर्स भी अटैक कर सकते हैं डिफेंसिव में। सो बिल्डर एक बिल्डर जो है वो अटैक करेगा और एक बिल्डर ऐसा है जो आसपास की बिल्डिंग्स पे अगर अटैक होगा तो उन्हें हील देगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कैसे आपको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं जंगल चैलेंज। ये देखिए, एपिक जंगल चैलेंज है, 3 स्टार करना है यहाँ पर और उस पर मिलेंगे हमें दो बिल्डर पोर्शन। सो गाइस, चलिए देखते हैं एक ईजी मेथड जिससे हम ये ऑसम अटैक 3 स्टार कर सकते हैं, इम्पॉसिबल अटैक एपिक जंगल चैलेंज। लेट्स रोल फॉर एन अटैक गाइस, मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। 2 अटैक करके बताऊंगा, एक टाउन हॉल 12 आईडी से और एक टाउन हॉल 8 आईडी से। ये कर रहा हूँ टाउन हॉल 12 आईडी से। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले छोड़ दिया है वार्डन और उसके साथ 2 हीलर्स। यहाँ पर देखिए बिल्डर जो है वो हील दे रहा था और ये जो है वो लेसी है वार्डन का पेट, वो उस पर ये इस पर एक पता चल रहा है कि लेसी मतलब पेट्स पे हीलर काम नहीं करेंगे। सो अब देखिए, यहाँ पर इस बेस में आप देख सकते हैं कि एक भी एयर डिफेंस नहीं है, तो उसका हम फायदा उठाएंगे। वहाँ पर मैंने एक बेबी ड्रैगन छोड़ दिया है और फिर बाद में हम ये जो 5 मिनियंस है वो भी एक एक जगह छोड़ देंगे ताकि वो एक एक कैनन डाउन कर दे। यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। ये देखिए, वार्डन अब जा चुका है ईगल आर्टिलरी की तरफ। यहाँ पर अपने बेबी ड्रैगन का काम देख लेंगे। देख सकते हैं आप, वो 3 बिल्डिंग्स पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए बेबी ड्रैगन ने और अब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वार्डन जो है वो ईगल आर्टिलरी डाउन करने वाला है। तो अब डाल देंगे मिनियंस। देखिए, एक मिनियन यहाँ पर है, एक वहाँ और 2 यहाँ। यहाँ पर जो है वो एयर माइंस निकल गई जिससे मिनियन डाउन हो गए, लेकिन वहाँ पर वो 2 कैनन तो ईजिली डाउन कर देंगे। यहाँ पर देखिए, किंग बिना नोटिस किए हुए वार्डन डाउन कर देगा और जैसे ही वो किंग डाउन कर देगा हम बाकी के सारे ट्रूप्स छोड़ देंगे। देख सकते बाकी के जो ट्रूप्स है, 3 हीरोज है हमारे, साथ ही आइस गोलम, 2 वॉलकायरी, 10 बारबेरियंस, 10 आर्चर्स और 9 वॉल ब्रेकर्स। ये देखिए, हो चुका है डिस्ट्रॉय। सब डाल देंगे सारे ट्रूप्स एक के बाद एक। ये देखिए, आर्चर क्वीन का पेट है इलेक्ट्रो आउल और जो है वो बारबेरियन किंग का माइटी एक जो है वो वॉल्स तोड़ेगा और साथ ही साथ उसके बाजू की बिल्डिंग्स भी तोड़ेगा। तो सारे ट्रूप्स हमने डाल दिए, CC में पॉइजन यूज़ कर लिया है और अब जो है वो मैक्सिमम ट्रूप जहाँ पर है वहाँ पर हम डाल देंगे क्लोन स्पेल। देखिए, रॉयल चैंपियन के साथ उसका है याक और अब यहाँ पर इन्फर्नो एक्टिव हो चुका है टाउन हॉल का। सो हम यूज़ कर लेंगे वार्डन एबिलिटी और साथ ही साथ किंग की एबिलिटी ताकि स्पीडिली वो डाउन हो जाए। सो इसी के साथ टाउन हॉल हो चुका है डाउन और अब यहाँ पर हमने यूज़ किया रॉयल चैंपियन की एबिलिटी ताकि वो स्कैटर शॉट को इजीली डाउन कर दीजिए। यहाँ और इसी के साथ स्कैटर शॉट हो चुका है डाउन और अब यहाँ पर देख सकते हैं बाकी का अटैक हो रहा है। यहाँ पर रॉयल चैंपियन आगे बढ़ रहा है और उसका पेट जो है वो वॉल्स तोड़ते हुए बाकी की बिल्डिंग्स तोड़ रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर बारबेरियन किंग, आर्चर क्वीन और वार्डर तीनों फुल हेल्थ पे है, इलेक्ट्रो आउल भी है साथ में और साथ ही साथ हीलर्स और बारबेरियन किंग के साथ है उसका यूनिकॉर्न हीलर। सो गाइस, आप देख सकते हैं सारे हीरोज के साथ ये अटैक हमने होने वाला है 3 स्टार। अब बचा है सिर्फ एक एलिक्सर स्टोरेज। सो द एपिक जंगल चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिया है विदाउट एनी एफर्ट, 2 ही मिनट में हमने अटैक कर लिया है, देख सकते हैं आप।
तो चलिए अब टाउन हॉल 8 वाली आईडी से मैं अटैक करके दिखाऊंगा। एपिक जंगल चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। अब और एक अटैक देखिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे यह चैलेंज बिना कोई एफर्ट के इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। सो हम डाल देंगे पहले वार्डन और उसके साथ दो हीलर्स। यहाँ पर देखिए बिल्डर जो है वो हील देने वाला है। वार्डन का पेट आगे बढ़ रहा है। सो अब वहाँ पर जैसे लास्ट टाइम डाला था, अब इस बार हमें पता है कि वहाँ पर एयर माइंस है तो हम देख कर डालेंगे। तो पहले दो मिनियंस डाल दिए ताकि वो दोनों एयर माइन डिटेक्ट कर ले, और अब एक मिनियन है जो वो कैनन को डिस्ट्रॉय कर देगा इजीली। और अब हम डाल देंगे हमारा बेबी ड्रैगन। ये देखिए ये जो बिल्डर है वो अटैक करेगा, देख सकते हैं आप। एक बिल्डर हील दे रहा है और एक बिल्डर उसका बिल्डर की जो बिल्डिंग है वो आर्चर टावर की तरह अटैक कर रही है। और अब हमारा वार्डन बढ़ चुका है ईगल आर्टिलरी की तरफ। सो बिना नोटिस किए वो इजीली ईगल आर्टिलरी को डाउन कर देगा, जिससे कि ईगल आर्टिलरी कभी एक्टिवेट ही नहीं होगी। देखिए हमारे मिनियन का काम, एक कैनन हो चुका है डाउन, सेकंड कैनन पे भी वो बढ़ चुका है। सेकंड कैनन भी इजीली डाउन हो जाएगा, देख सकते हैं आप साइड में कॉर्नर पे। देखिए अब यहाँ पर जो है वो क्वीन पर बढ़ चुका है वार्डन, क्वीन नोटिस नहीं कर पा रही है। सो गाइस क्वीन हो चुकी है डाउन यहाँ पर, और अब वो बढ़ेगा हिडन टेस्ला और उसके बाद बार्बेरियन किंग के ऊपर। तो हम डाल देंगे आइस गोलम। ओ बार्बेरियन किंग ने नोटिस कर लिया यहाँ पर। सो गाइस हमारा वार्डन यहाँ पर डाउन हो जाएगा या फिर उसकी एबिलिटी यूज़ हो जाएगी। सो अब हम सारे ट्रूप्स डाल देंगे, और सीसी में से निकल चुके ट्रूप्स, तो हम डाल देंगे पॉइजन। और अब यहाँ पर वार्डन एबिलिटी यूज़ हो चुकी कि बार्बेरियन किंग ने उसे डाउन करने वाला था। सारे ट्रूप्स हमने छोड़ दिए, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज़ कर ली। अब जहाँ पर मैक्सिमम ट्रूप्स है वहाँ पर हम डालेंगे क्लोन स्पेल। यहाँ पर हमारी वार्डन एबिलिटी नहीं बची है, सो ये अटैक थोड़ा हार्ड हो सकता है। लेकिन देखिए आइस गोलम ने टाउन हॉल को लॉक कर दिया है आइस से, तो टाउन हॉल हो चुका है डिस्ट्रॉय। सिर्फ थोड़ा डैमेज मिला है बार्बेरियंस को। सो आप देख सकते हैं आप बचा है एक मल्टी इन्फर्नो डाउन होने वाला है, किंग ने डाउन कर दिया। और अब जो है वो हमारा माइटी एक पहुंच गया है दूसरे मल्टी इन्फर्नो की तरफ, तो देखते हैं वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा या नहीं। थोड़ा सा रह गया है इन्फर्नो। और वहां पर आप देख सकते हैं वार्डन के पास क्लोन्ड बार्बेरियन पहुंच चुके हैं। ये अटैक 3 स्टार हो पाएगा, नहीं आई गाइस। यहाँ पर एक मिस्टेक क्या होगा कि बार्बेरियन किंग ने नोटिस कर लिया, वार्डन हमारा थोड़ा आगे चल गया था जिससे कि उसने नोटिस कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि 3 स्टार हम कर पाते या नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रो हॉल बचा हुआ है, आर्चर क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, और जो बार्बेरियन किंग और वार्डन बचा है। अब बचा है सिर्फ 2 डिफेंस, मल्टी इन्फर्नो हो चुका है डाउन, सिर्फ बचा है अब कैनन, तो वो भी इजीली डाउन हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं आप बिना किसी एफर्ट के हम एपिक जंगल चैलेंज कंप्लीट कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इस चैलेंज में क्या है, टाइम लिमिट भी है। जो पहले हमारे चैलेंज थे उसमें टाइम लिमिट नहीं थी, सो आपको टाइम के हिसाब से इवेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर इवेंट कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे मिल चुके हैं 14 जेम्स, 400 XP और 2 बिल्डर पोशन। सो गाइस टाइम बहुत ध्यान रखना है आपको, टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है, क्योंकि पहले जो चैलेंजेस आते थे उसमें टाइम लिमिट नहीं होती थी। सो आप आराम से अटैक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर है टाइम लिमिट। और जो है वो इजीली हम बूस्ट करके सारे ट्रूप्स यूज़ करके अपना अटैक 3 स्टार कर सकते हैं, एपिक जंगल चैलेंज। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।